मैहर जिला कलेक्टर अमरपाटन सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, जहां गंदगी का अंबार देखकर सफाई ठेकेदारों को फटकार लगाई और मरीजों से अस्पताल व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने अस्पताल स्टाफ को निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं होना चाहिए। मैहर जिला कलेक्टर रानी वाटक अचानक अमरपाटन सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उनके साथ अमरपाटन SDM आरती यादव और तहसीलदार भी मौजूद रहे। कलेक्टर जब अस्पताल पहुंची तो गंदगी और व्यवस्था को देखकर भड़क गई। उन्होंने सफाई ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही ठेकेदार को नोटिस जारी करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया। कलेक्टर ने अस्पताल व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मरीजों से भी हाल जाना। आपको बता दें, जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कलेक्टर जिले के अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण कर रही हैं। इसी औचक निरीक्षण करने के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधार करने की बात भी कही जा रही है। यहाँ काफी अमरपाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी दिक्कतें हैं, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, मैंने भी देखा है कि जगह की बहुत कमी है इनके पास, और ऊपर जो बिल्डिंग बनी है उसमें अभी तक लाइट नहीं लग पाई है, और साथ में बहुत ज्यादा साफ सफाई का भी अभाव है। तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि लाइट यहाँ एक सप्ताह में इनको कनेक्शन मिल जाए, और सफाई के लिए भी जो आउटसोर्स वाली एजेंसी है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे, और कोशिश करेंगे कि साफ सफाई रहे अंदर, जहाँ क्योंकि यहाँ पेशेंट्स की संख्या बहुत अधिक है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।